माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। श्री राजकुमार कश्यप रामकुमार कश्यप जिंदाबाद। श्री रामकुमार कश्यप जिंदाबाद। और सात साल सात कमाल जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नेताओं की ड्यूटी लगाई है कि इसी तरह के डॉक्टर मंगल सेन जयंती पर हरियाणा सरकार की जन कल्याण योजनाएं, सात साल सात कमाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से ये जो थैले आए हैं इनको जो है हर गांव में हर परिवार में जो है वितरित करेंगे। और इस समय इंद्री के संगोही जो गांव पड़ता है वहां पर इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ताओं की सभी मंडल अध्यक्षों की ड्यूटियां लग चुकी हैं। और सभी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो प्रचार सामग्री है इसी तरह से सभी जो थैले वितरित किए जाने हैं वो हर गाँव में जा जाकर वितरित करेंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वे अन्य जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अन्य जो लीडर्स हैं, उन सभी की जो तस्वीरें हैं इन थैलों में देखी जा सकती है। किस तरह से ये प्रचार किया जाएगा ये जानना चाहेंगे। इस समय कुंजपुरा मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आज कार्यक्रम और क्या कहेंगे? आज 27 तारीख को मंगल सेन जयंती के उपलक्ष्य में हम ये बैग और सात साल के कार्यों का जो विवरण है हम अपनी पार्टी के माध्यम से और लक्ष्मी माता जी की जो एक मूर्ति है उसको हम बैग में डालकर अपने बूथ वाइज वितरित कर रहे हैं। हम एक बूथ में लगभग 30 से 35 व्यक्तियों को घरों में जाएंगे और ये बैग वितरित करेंगे और लोगों को सात साल के जो बीजेपी ने बेनिफिट दिए हैं, जो कार्य किए हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। तो बिल्कुल सात साल को लेकर आप देख सकते हैं क्योंकि दिवाली आ रही है और इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर माता लक्ष्मी की वो भी जो है वितरित की जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीर ऐसे में आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कल्याण साहब, क्या कुछ वितरित किया जा रहा है? सात साल हो चुके हैं, काफी खुशी नजर आ रही है चेहरे में। सर सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ और हमारे मीडिया जो कमल बिड्डा जी यहाँ पे आए उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो सात साल के कार्य में जो अपनी भागीदारी निभाई है वो बहुत ही सराहनीय है और जो काम आगे भी किए जा रहे वो भी बहुत सराहनीय होंगे। और आज हमारे डॉक्टर मंगल सेन जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज बैग हर बूथ पे वितरित किए जाएंगे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को भी आज दर्शाया जाएगा कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति देकर ये बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी कार्य है और अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सराहनीय काम किए आज उनका भी उल्लेखनीय और जो प्रशंसा वो सभी को बताई दी जाएगी। तो बिल्कुल सात साल हो चुके हैं, माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर, दिवाली पूजन पर लक्ष्मी पूजन होता है, सभी घरों में इस तरह की तस्वीर जो है वितरित की जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस समय जो सभी प्रचार सामग्री है वो एक एक करके जो सभी मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से कार्यालय जो है यहाँ पर संगोई गांव में वहां से लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की हर गांव में जो है वितरण किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सात साल सात बेमिसाल रहे, किस तरह से आप देख सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह से हरियाणा सरकार के जो सात साल पूरे हुए हैं क्या लगता है कि हरियाणा सरकार ने कितने अच्छे काम किए और जो काम रह गए उनके बारे में भी आज कमेंट बॉक्स में आप नीचे डाल सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। देख सकते हैं कि सात साल सरकार के पूरे होने पर इसी तरह से जो थैले हैं वो वितरित किए जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो वितरित की जा रही है संगोई गांव में। इस समय आप देख सकते हैं सभी जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी प्रचार सामग्री लेकर सभी गांवों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुंजपुरा मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर? कोई क्या विधायक जी का भी कार्यक्रम होना था क्योंकि किसानों ने आह्वान किया कि इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ पर विधायक जी का कोई प्रोग्राम नहीं था। हमने जो ये बैग वितरित करने थे हमने शक्ति केंद्र प्रमुखों को वितरित करने थे, लेकिन किसानों ने अभी कोई मुद्दा बनाया कि विधायक जी और संगोई आना था, लेकिन विधायक जी चंडीगढ़ हैं, उनकी मीटिंग है 11 बजे, वो आ ही नहीं सकते वहाँ से। तो ये तो एक अफवाह बनाई गई थी किसानों की तरफ से, भाई विधायक जी आएंगे यहाँ पे। तो किसान आ भी रहे हैं शायद जानकारी? कोई बात नहीं, वेलकम है, चाय पिला के भेजेंगे मेरे भाइयों को, सभी किसानों को चाय पिला के समोसा खिला के लड्डू खिला के भेजेंगे यहाँ से। हमने सभी बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से प्रबंध किए गए हैं, चाहे किसान आए चाहे कोई भी आए उनको समोसा भी खिलाया जाएगा, लड्डू भी खिलाया जाएगा और चाय भी पिलाई जाएगी। जी हाँ, हमने सभी की व्यवस्था रखी है, चाय की और पानी की। जो भाई भी आया, किसान भाई भी आएंगे, वो भी सभी का यहाँ पे स्वागत है, वो हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ बैठ के चाय पियेंगे और उनको भी लक्ष्मी माता की
तस्वीर भेंट की जाएगी। तो बिल्कुल 7 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को, तो कहीं ना कहीं लड्डू भी बांटे जाएंगे, समोसे भी जो है बांटे जाएंगे, चाय भी पिलाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? किसानों की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जाना था कि विधायक जी आज यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जो ये थैले वितरित कर रहे हैं वो विधायक जी करेंगे, ऐसा कुछ है? कहते हैं जय जवान जय किसान। हम किसान अपने जितने भी भाई हैं सभी का समर्थन करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर वो आते हैं उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा कार्यालय में, बिजली कार्यालय में, उनको चाय और माँ लक्ष्मी की फोटो देकर उनको सम्मान किया जाएगा। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि वो आए, उनका वेलकम है यहाँ पे सर। तो कुछ जो आपको लगता है कि कृषि कानूनों का जो वो विरोध कर रहे हैं, क्या आप उसका भी समर्थन करते हैं? सर कृषि कानून जो देखा जाए तो सभी हक के लिए है, जो मतभेद है वो बैठ के सुलझा लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो मतभेद है वो बैठकर सुलझा लिया जाएगा, और इस तरह से जो तैयारी है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी कर ली गई है। गांव-गांव जाकर इसी तरह से जो है ये थैले वितरित किए जाएंगे, प्रचार सामग्री वितरित की जाएगी। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने यह साफ कर दिया कि अगर किसान यहां पर आते हैं विरोध करते हैं तो उनको भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर दी जाएगी और उनको भी यहां पर चाय नाश्ता जो तैयार है, यहां पर प्रसाद तैयार है, लड्डू तैयार है, समोसे तैयार है, वो वितरित किए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आगे की तस्वीर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री राम कुमार कश्यप जी जिंदाबाद, श्री राम कुमार कश्यप जी जिंदाबाद।